नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, हिंदू राष्ट्र के विज्ञापन पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, बोले संविधान विरोधी है विज्ञापन, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। भाजपा शासित राज्यों में आजकल लव जिहाद को लेकर के कानून बनाए जाने के मामले में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर के बहसबाजी हो रही है। यूपी की योगी सरकार के द्वारा राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किए जाने पर कई विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र के लिए दिए गए विज्ञापन ने नया विवाद छेड़ दिया है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एक विज्ञापन सामने निकल के आया है जिसने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विज्ञापन में लिखा गया है कि भारतवर्ष के हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की जन मंगल कामना एवं हिंदू समाज के जन कल्याण हेतु प्रयागराज में यज्ञ किया जा रहा है जिसे विश्व हिंदू पीठ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे मामले में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर इस विज्ञापन को देने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना ही हम इसे हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। देश बाबा साहेब के संविधान से चलता आया है और संविधान से ही आगे भी चलेगा। धर्म निरपेक्षता पर हमला मतलब देश एवं संविधान पर हमला है। संविधान विरोधी इस विज्ञापन दाता पर तत्काल देशद्रोह के तहत कार्रवाई की जाए, यह यहां पर मांग की है चंद्रशेखर आजाद ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर समझाई क्रोनोलॉजी, मोदी सरकार को घेरते हुए कहा ये सूट बूट की सरकार है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के एक बयान का हवाला देते हुए कहा है कि मोदी सरकार पूरी तरह से सूट बूट की ही सरकार है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए, पहले कुछ बड़ी कंपनियों की कर्ज माफी होगी, इसके बाद कंपनियों के टैक्स में भारी कटौती होगी और अब आम जनता की बचत के रुपए इन्हीं कंपनियों की तरफ से स्थापित किए गए बैंकों को दिए जाएंगे। गौरतलब है कि रघुराम राजन ने भारतीय कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। उन्होंने इस सुझाव को बैड आइडिया कहा है। देख सकते हैं दोस्तों इसी पूरे मामले में राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को और कहा है कि ये सूट बूट की सरकार है जो कि सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए ही कर रही है काम। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, हरियाणा किसान नेताओं को घर से किया गया गिरफ्तार, किसानों ने आवाज दबाने का आरोप लगाया है बीजेपी पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली कूच की तैयारियों में लगे किसान नेताओं को पुलिस ने उनके घरों में नजरबंद कर दिया है, जिसको लेकर के किसान एकजुट हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने भाग्यू शक्ति दल के प्रदेश अध्यक्ष जगबीर घसोल व अन्य पदाधिकारियों को उनके दादरी निवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने रोष जताते हुए उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर। तो वहीं उनका कहना है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके किसानों की आवाज नहीं दबा सकती है, हर हाल में किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें 26 नवंबर को काफी बढ़ सकती हैं क्योंकि यहां पर कई किसान संगठन जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं। 26 नवंबर को बंद बुलाया गया है और केंद्र की मोदी सरकार आ सकती है निशाने पर, बैकफुट पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, लव जिहाद पर घमासान के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, किसी को अलग धर्म में शादी करने से रोक नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, योगी सरकार को दिया है हाई कोर्ट ने बहुत ही तगड़ा झटका। आप लोगों को बताते चले, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के की शादी के खिलाफ दर्ज केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हम किसी को हिंदू और मुसलमान की निगाह से नहीं देख सकते हैं। अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो कोई उन्हें रोक कैसे सकता है। कोर्ट ने कहा कि जीवन साथी चुनने का अधिकार सबको है और यह एक मौलिक अधिकार है। इसमें कोई सिर्फ इसलिए दखल नहीं दे सकता है कि दोनों का धर्म अलग है। तो वहीं हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ शादी करने वालों के रिश्ते पर ऐतराज जताने और विरोध करने का हक ना तो उनके परिवार को है और ना ही किसी व्यक्ति या फिर सरकार को है। अगर राज्य या फिर परिवार उन्हें शांतिपूर्वक जीवन में खलल पैदा कर रहा है तो वो उनकी निजता के अधिकार का अतिक्रमण है। ये यहाँ पर कड़ी टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और योगी सरकार को दिया है तगड़ा झटका। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में हारी इमरती देवी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। ग्वालियर के डबरा सीट से उपचुनाव में हारने के बाद शिवराज सरकार में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उपचुनावों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार इमरती देवी के इस्तीफे की मांग कर रही थी। उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपा है। इमरती देवी ने कहा कि सीएम को इस्तीफा दे दिया है, वो स्वीकार करें या ना करें ये उनका अधिकार है। इमरती देवी को हराने वाले उनके ही समधी कांग्रेस के सुरेश राजे थे। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ईडी ने शिवसेना विधायक के घर पर छापा मारा तो भड़के संजय राउत, बोले छापेमारी से नहीं डरेंगे, जो करना है कर लो। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुंबई में शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें शिवसेना नेता के बेटे विहंग सरनाईक को हिरासत में लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना ने बीजेपी पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और मोदी सरकार को लिया है शिवसेना ने निशाने पर। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल कर कोई राज्य की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है तो वह पूरी तरीके से मूर्ख है। यहाँ का कोई भी विधायक दबाव में आने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो, हम किसी के आगे घुटने टेकने वाले में से नहीं है। यह सिर्फ महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है बीजेपी की तरफ से। यह यहाँ पर संजय राउत ने लिया है बीजेपी को निशाने पर और ईडी का गलत इस्तेमाल करने का लगाया है आरोप। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान अखबार ने पहले पन्ने पर छापा हिंदू राष्ट्र का विज्ञापन, सेकुलरिज्म से नफरत में संविधान विरोधी हुआ मीडिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पिछले कुछ सालों से मीडिया ने सेकुलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता को बुराई के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। पहले चरण में मीडिया ने कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और टीएमसी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर हमला बोलने के लिए सेकुलरिज्म का नकारात्मक प्रस्तुतीकरण किया। दूसरे चरण में सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम संगठनों को निशाने पर लेकर सेकुलर खेमे में खड़ा होने के कारण देश विरोधी घोषित किया और अब तीसरे चरण में धार्मिक राष्ट्रवाद का गुणगान करना शुरू कर दिया है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के पक्ष में डिबेट और लेख दिखने लगे हैं। मीडिया एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है जहां धर्म निरपेक्षता को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को सुनहरा बताने की मूर्ति मची है। तभी तो हिंदुस्तान अखबार ने बड़ी ही बेशर्मी से अपने प्रयागराज संस्करण में पहले पेज पर हिंदू राष्ट्र की कामना वाला विज्ञापन छापा है। हालांकि पेज पर कहीं भी ये तक नहीं बताया गया है कि ये एक विज्ञापन है, यानी अखबारों की धूर्तता ना समझने वाले किसी व्यक्ति को ये गलतफहमी हो सकती है कि प्रथम पृष्ठ पर ऐसी खबर बनाई गई है कि हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए यज्ञ हो रहा है। तो वहीं इसके साथ ही यहाँ पर तमाम सवाल भी उठने लगे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का दावा करने वाले मीडिया का यह कैसा काम है कि संविधान विरोधी दावे का प्रचार प्रसार कर रहा है। देख सकते हैं कि ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है जहां पर हिंदुस्तान अखबार ने पहले पन्ने पर छापा हिंदू राष्ट्र का विज्ञापन, सेकुलरिज्म से नफरत में संविधान विरोधी हो चुका है मीडिया। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने एचआरआई न्यूज पर जानी है। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।